हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं GTA 5 में। और यहाँ पर गाइस हम लोग फिर से करने जा रहे हैं इंडियन कार्स वर्सेस पाकिस्तान कार्स इंडिया गेट जंप चैलेंज। गाइस यहाँ पर देख सकते हो, अपने पास एक तरफ है 7 इंडिया की कार्स और साथ ही यहाँ पर अपने पास है 7 पाकिस्तान की कार्स। और दोस्तों आज हम लोग इन सारी की सारी कार्स के साथ करने वाले हैं एक काफी अलग सी चैलेंज, और वो चैलेंज है इंडिया गेट जंप चैलेंज। गाइस जैसा कि अपने रियल में दिल्ली में इंडिया गेट है, सेम वैसा ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपने पास एक इंडिया गेट है और इसी को अपने सारे सारे कार्स को यहाँ से जंप करना है। और देख सकते हो गाइस यहाँ पर देखो अपनी इंडिया गेट क्या शानदार लग रही है यार। तो इसी को जंप करके अपने कार्स को यहाँ से ऊपर से होते हुए इधर तक आनी है। अगर जो भी कार्स बिना सटे हुए इंडिया गेट को इस पार तक चली जाती है वो कार विनर बन जाएगी। अगर कोई कार इंडिया गेट पे सट जाती है और फिर इधर गिरती है तो वो कार फेल हो जाएगी। जी हाँ गाइस, बिना सटे हुए सारी की सारी कार्स को इधर तक आना है। तो देखेंगे कौन कौन सी जो अपनी कार है वो फुल जंप करके आज के इस मिशन को कम्प्लीट कर पाएगी। तो चलो यार, आज का चैलेंज काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना। और यहाँ पर आपकी मनपसंद की कार भी आ जाएगी, तो आप लोग कमेंट में आप लोग अपनी अपनी फेवरेट कार का नाम जरूर से कमेंट कर देना, ताकि मैं अगली वीडियो में आप सभी के फेवरेट कार को ला सकूं। और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से ज्यादा शेयर करना। तो चलो गाइस हम लोग सबसे पहले अपनी थार को लेकर चलते हैं। आप लोग अपनी फेवरेट कार का नाम हमें जरूर से कमेंट करना, और आज का जो चैलेंज है उसमें हम लोग इंडिया गेट जंप चैलेंज करने वाले हैं। गाइस पूरा वीडियो देखना, मजा आपको काफी ज्यादा आएगा। सबसे पहले हम लोग थार को लेकर चल रहे, फिर एक एक करके हम लोग सभी कार्स को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अपनी जो थार है, ओ माय गॉड कितनी शानदार जंप लगाई है गाइस। देख रहे हो पूरा इंडिया गेट को एकदम से जंप कर गई। ओ भाई क्या गजब आई है यार, देख रहे हो गाइस। अरे भाई मजा आ गया यार, अपनी जो महिंद्रा थार है वो इस मिशन को काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाई है, और अपनी इंडिया गेट को भाई एकदम सिंपल तरीके से कंप्लीट कर पाई है। तो चलो यार चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। देखो यार, पहले इंडिया फिर पाकिस्तान फिर इंडिया फिर पाकिस्तान, ऐसे करके हम लोग कार्स को ऐड करने वाले हैं। तो फिर अब पूरा वीडियो देखना, मजा आपको काफी ज्यादा आएगा। और आप लोग फेवरेट कार का नाम जरूर से कमेंट करना, आप लोग अगले चैलेंज में वो कार को जरूर से देखोगे। सो गाइस अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है, पाकिस्तान की तरफ से हम पहली कार को लेकर चल रहे हैं, उसका नाम है आउटलैंडर GT। वैसे यार देखो ये पाकिस्तान की रियल में कार तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कार वहां पर चलती है, और पाकिस्तानी भाइयों का कहना होता है कि भाई वो कार के लाओ, तो मैं देखो यार वो कार ला चुका हूं, आउटलैंडर GT। कंपनी पाकिस्तान की नहीं है लेकिन ये कार वहां पर चलती है। तो चलो इसकी जंप देखते हैं। गाइस ये काफी शानदार जंप लगाती है, और ये सुपर कार है आउटलैंडर GT। और लो भाई क्या गजब जंप लगाई है, देख रहे हो, और कितनी अच्छी तरीके से अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाई। ओ माय गॉड थार से आगे जाके गिरी है, देख रहे हो भाई साहब क्या गजब ये जंप लगाई, गजब इसकी परफॉर्मेंस है। तो चलो यार चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ, और लाते इस पर अपनी रोल्स रॉयल्स को। सो गाइस अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है, हम लोग इसमें लेके चल रहे हैं अपनी प्यारी सी रोल्स रॉयल्स को। गाइस ये रोल्स रॉयल्स ले जाने में तो मजा आ जाएगा, तो चलो इसको लेके चलते। ओ माय गॉड आप इसकी स्पीड देख सकते हो, क्या शानदार जा रही है भाई। अब देखने वाली बात है कि क्या ये इंडिया गेट को जंप कर पाएगा नहीं, वैसे क्या लगता है कमेंट में आप लोग पहले ही बता सकते हो। तो चलो देख लेते हैं कितनी दूर जाने वाली है। ओ माय गॉड नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब यार देख सकते हो यार ये तो इंडिया गेट पे टकरा गई। अरे बाप रे क्या सीन हो गया यार, अपनी रोल्स रॉयल्स उतनी बड़ी जंप नहीं लगाई है, और इसके कारण भाई साहब ये अपने इस मिशन को फेल कर चुकी है, क्योंकि ये इंडिया गेट को जंप ही नहीं कर पाई है। चलो कोई नहीं, हम लोग तो बस मजा के लिए खेल रहे हैं। तो चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है, हम लोग लेके चले पाकिस्तान की तरफ से होंडा सिविक को। तो चलो यार अपनी होंडा सिविक को लेके चलते हैं, और देखते हैं कि ये कितनी दूर जंप लगाएगी, और क्या ये जंप भी कर पाएगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। ओके स्पीड तो काफी अच्छी खासी होगी, 260, ओ माय गॉड 260 हो गई है, क्या इतनी स्पीड में ये जा पाएगी या नहीं, ये देखते हैं। अरे नहीं भाई मैं छोटी कार्स को लेकर के ही गलती कर रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि यार देखो यार अभी रोल्स रॉयल्स भी अपनी सेम वैसे ही करी है, और वो जंप नहीं कर पाई है, और भाई ये भी जंप नहीं कर पाई। वैसे यार इसकी स्पीड 260 की हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने इस मिशन को फेल कर चुके हैं। चलो कोई नहीं, फिलहाल अपनी दोनों कंट्रीज की जो पॉइंट है वो बराबर है, तो चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है, हम लोग उसमें लेके चले अपनी प्यारी सी महिंद्रा XUV 700 को। तो चलो यार XUV 700 लेके चलते हैं, आप सभी भाइयों का डिमांड होता है तो मैं वो कार को लाता हूँ। तो देखो यार XUV 700 भी आप सभी के डिमांड पे है, तो चलो लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाने वाली है, और ये जंप कैसी लेती है। ओके गाइस इसकी स्पीड उतनी ज्यादा तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये जंप लगा सकती है अच्छी खासी। ओ भाई पहुंच जाएगी, ओ भाई 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 क्या गलत सीन हो गया यार, देख रहे हो एकदम से इंडिया गेट के छत पे गिरी है। और भाई जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि छत पे या उसमें टच नहीं करना है, अगर कार कोई टच कर जाती है तो वो कार फेल हो जाएगी। वैसे यार ये काफी शानदार जंप लगाई है, लेकिन भाई ये मिशन को फेल कर चुकी है। सो गाइस अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है, पाकिस्तान की तरफ से GMC अकाडिया। तो चलो यार इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कहां तक जाने वाली है। अभी तक अपनी एक इंडिया और एक पाकिस्तान की कार से इस मिशन को पास करी है, बाकी सभी कार सभी फेल करी, तो देखते हैं ये कहां तक जाती है।
वैसे ही स्पीड यार 250 सारी की सारी कार्स की हो जा रही है, बस कार्स उतनी लंबी जंप नहीं लगा रही जिससे कि वो अपने इस मिशन को कंप्लीट करे। और भाई ये पहुंच जानी चाहिए, अरे भाई जहां पर अपनी XUV 700 गिरी है सेम वहीं पर गिरी है, और भाई ये भी उस पर टच कर गई है। तो टच करने के बाद अपनी कार जो है वो मिशन को फेल करेगी और फाइनली ये भी फेल कर चुकी है। चलो यार चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है, हम लोग यहाँ पर लेके चले अपनी प्यारी सी स्कॉर्पियो S11 को। तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखना, मजा आपको काफी ज्यादा आएगा, और आप लोग अपनी फेवरेट कार का नाम हमें जल्दी से कमेंट में बताना ताकि मैं आप लोगों की फेवरेट कार को ला सकूं। और आज हम लोग कर रहे हैं इंडिया गेट जंप चैलेंज, और यहाँ पर देख सकते हो, ओ माय गॉड यार ये कितनी शानदार जंप लगाई है गाइस, देख रहे हो अपनी S11 की। ओ भाई यार एकदम मजा आ गया यार, ओ भाई कितनी दूर आकर के गिरी, इसलिए मैं बोलता हूँ यार आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको मजा आएगा यार, कोई कार फेल करती है कोई कार पास यार। चलो यार कोई नहीं, बहुत ज्यादा मजेदार इसकी परफॉर्मेंस रही है। सो गाइस अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है, हम लोग हिलक्स ट्रक को लेके चल रहे हैं, टोयोटा हिलक्स पाकिस्तान की कार है, तो चलो इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्म करने वाली है। आप सभी को एक बात कंफर्म कर दूं कि गाइस मैं ये नहीं बोलता कि ये जो टोयोटा है वो पाकिस्तान बनाती है, बस जो कार जिस कंट्रीज में चलती है हम लोग उस कार को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो टोयोटा हिलक्स पाकिस्तान में चलती है और इसलिए हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हो गाइस, ओ माय गॉड, ओ भाई यार ये कितनी गजब जंप लगाई है, देख रहे हो, ओ भाई साहब मजा आ गया यार। और स्ट्रीट लाइट पे गिरी एकदम से, और यार उसकी लाइट की तो हालत ही खराब कर दी, क्या शानदार जंप लगाई है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। सो गाइस अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है, हम लोग लेके चले अपनी इंडिया की तरफ से हुंडई सोनाटा को, तो चलो यार इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्म करेगी। ओ माय गॉड ये सेडान कार है, और देखते हैं कि ये कितनी लंबी जंप लगा पाती है, और क्या ये इंडिया गेट को जंप करके उस पार तक जा सकती है या नहीं जा सकती है। ओके ये रही जंप, और क्या ये पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। और रुल्ले भाई, अरे भाई क्या सीन हो गया यार, देख रहे हो गाइस एकदम हल्का हल्का से कार बच रही है। और चलो यार अपनी हुंडई सोनाटा जंप काफी शानदार लगाई है, लेकिन भाई छत पे गिरने के कारण अपने इस मिशन को फेल कर चुकी है। चलो चलते हैं कोई नहीं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो नेक्स्ट कार होने वाली है उसमें हम लोग लेके चले अपनी BJ40 को, और ये पाकिस्तान की कार है, तो चलो यार BJ40 को लेके चलते हैं। ये मिनी जीप है, मतलब मिनी थार इसको बोल सकते हो क्योंकि इसकी ऑफ रोडिंग बेस्ट होती है। तो चलो लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कहां तक जाती है और कितनी बड़ी जंप लगाएगी। वैसे ये जंप काफी अच्छी लगा सकती है, तो देखते हैं। ओ माय गॉड ये जंप लगा चुकी है, और कहां तक जाने वाली है देखने वाली बात है। और भाई ये काफी शानदार जंप लगाई है, ओ भाई देख रहे हो भाई साहब इसकी परफॉर्मेंस, क्या शानदार जंप लगाई है, और फाइनली अपने इस मिशन को ये कंप्लीट कर पाई है। तो चलो यार इसको मैं ही लगा देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है, हम लोग यहाँ पर लेके चले अपनी हुंडई वर्ना को, तो चलो यार अपनी हुंडई वर्ना को लेके चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसी परफॉर्म करती है। आप लोगों के डिमांड पे हम हुंडई वर्ना को लेकर के आए हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग डिमांड बस करते रहो, आपको यहाँ पर सारी कार्स देखने को मिलती रहेगी। तो चलो यार वरना को लेकर चलते हैं, और ये रही जंप, ओ माय गॉड ये इतनी बड़ी जंप नहीं लगा पाएगी मुझे लगता है, क्योंकि ये एकदम से भाई ये लड़खड़ा गई थी। और लो भाई लो यार छोटी कार्स को हमने लेकर के इस चैलेंज में गलती कर दिया शायद मुझे लगता है, लेकिन चलो यार कोई नहीं। आज अपनी जो इंडियन कार है थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, क्योंकि हमने सारी की सारी मतलब लगभग सेडान कार ही लिया था, अगर SUV लेते तो भाई वो सारी की सारी मिशंस को वैसे भी कंप्लीट करती है, आपको तो पता है कि भाई इंडियन कार का कोई जोड़ा नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है, हम लोग उसमें लेके चले अपनी लैंड क्रूजर VXR को, तो चलो यार इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कहां तक जाने वाली है। वो SUV कार है वो भी टोयोटा की, तो कितनी लंबी जंप लगाएगी ये देखने वाली बात है। गाइस देखो यार आप लोग ना कंट्री के ऊपर ये मत करना कि भाई इस कंट्री की पास हो रही है और इस कंट्री की फेल, आप लोग बस इंजॉय करना कि भाई कौन सी कार कितनी लंबी जंप लगाई है ये देखना। और देखो यार ये कितनी शानदार जंप लगाई, ओ भाई क्या मजेदार तरीके से जंप लगाई है और फाइनली अपने इस मिशन को कंप्लीट कर पाई, ओ भाई मजा आ गया यार। देखो मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप लोग कंट्री के ऊपर मत जाना, बस यार कार का परफॉर्मेंस देखो और मैच देखो मजा लो। सो अब जो अपनी नेक्स्ट कार होने वाली है, हम लोग इसमें लेके चले अपनी हुंडई क्रेटा को, तो चलो यार क्रेटा को यहां से लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये कहां तक जाती है और कैसे सर्वाइव करती है और कितनी लंबी जंप लगाती है, क्योंकि यार क्रेटा उतनी लंबी जंप लगाती नहीं है। तो चलो फिलहाल देखते हैं, ओके इसकी स्पीड 250 तक जाएगी शायद, ओके चलो 250 गई, अब जंप देखने वाली बात है कि ये कितनी बड़ी जंप लगाती है। और लो भाई ये भी इतनी जंप लगा चुकी है जिससे भाई ये सिर्फ छत पे आ सकती है, और भाई ये भी मतलब उस उतना बड़ा जंप नहीं लगा पाई है और इस मिशन को ये फेल कर चुकी है। तो मैं वही बता रहा हूँ गाइस कि आप लोग ये मत देखना कि भाई कौन सी कंट्री की फेल कर रही है कार और कौन सी कंट्री की पास कर रही है, बस आप लोग अपना फेवरेट कार का नाम कमेंट करो, सभी का चैलेंज देखना और मजा लेना यार। देखो इसमें कंट्री का कोई बात ही नहीं है, नहीं तो मुझे बुरा लगता है यार, आप लोग कंट्री कंट्री करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ।
सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है, हम लोग इसमें लेके चले अपनी लेक्सस 570 को। तो चलो यार लेक्सस 570 को लेके चलते हैं। और हम लोग अभी देखो थोड़ा देर बाद ना वो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कार्स नहीं बाइक के साथ इसमें जंप चैलेंज करने वाले हैं। मेरे पास 7-8 बाइक्स हैं, तो हम लोग उस बाइक को चैलेंज करेंगे इसमें और देखेंगे कि वो कैसी परफॉर्म करेगी। तो चलो फिलहाल इसको देखते हैं कि ये कहां तक जाती है। और लेक्सस 570 भी भाई उतनी बड़ी जंप नहीं लगाई है, और भाई लो ये भी अपने इस मिशन को फेल कर चुके हैं, देख सकते हो गाइस। देखो यार आज हम लोगों ने 7-7 कार को ट्राई करा है, देखते कितनी कार पास करी है और कितनी कार फेल करी। तो यहां पर चलते हैं ओके। और देखो यहाँ पर ना 4 पाकिस्तान की कार पास करी और 2 इंडियन कार पास करी। चलो कोई नहीं, फिलहाल मजा आ गया आज के इस चैलेंज में। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आज के आपको चैलेंज देखने में मजा आया है। हम आपसे मिलते हैं अगले नए चैलेंज में, तब तक के लिए धन्यवाद।